वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम हेल्थ के टिप्स। आज इस वीडियो में हम चपाती लड्डू बनाना सीखेंगे, जो कि हम 12 मंथ टू 18 मंथ बेबीज के लिए, ये जो कि टोडलर होते हैं उन लोगों के लिए बनाकर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने गंदम का आटा लिया है, जिसे व्हीट फ्लोर कहते हैं, गेहूँ का आटा। तो हम इसी से रोटी व चपाती बनाते हैं, और आप इसी से अपने बच्चे के लड्डू भी बना सकती हो, जिसे चपाती लड्डू और रोटी लड्डू कहते हैं। ये बहुत हेल्थी फूड होते हैं बच्चों के लिए। आप जितना हो सके अपने बच्चों के लिए घर से ही बनाकर उन्हें दें, क्योंकि होममेड फूड ही, घर का बना हुआ फूड ही बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वह ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, ज़्यादा सिक नहीं होते। आप घर का फूड जो बनाकर देती हो, होममेड फूड जो बनाकर देती हो, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हम स्नैक्स टाइम पर कई किस्म के घर पर बना के दे सकते हैं। हमने यहाँ पर लड्डू बनाए हैं, आप चाहे तो कई किस्म के लड्डू बना सकते हो। हम आगे की वीडियो में इसका बताएँगे, लेकिन हम यहाँ पर अभी तो चपाती लड्डू बना रहे हैं। यहाँ मैंने केश्यू नट और आलमंड लिए हैं, काजू और बादाम, इसलिए कि हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेके इसका पाउडर बना लेंगे। वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ 12 मंथ टू 18 मंथ बेबीज़ को उतने अच्छे से चबाना नहीं आता है। वो ट्राई तो करते हैं, लेकिन उन्हें हलक में अटक सकता है। तो हम यहाँ पर इस तरह बना कर देंगे, तो वो धीरे धीरे चबाना स्टार्ट करेंगे, वो ट्राई करते रहेंगे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप बड़ों के लिए लड्डू बना रहे हो, तो आप ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, इस तरह से हमने लड्डू बना लिए हैं, और हमारे बच्चों के लिए आप इस तरह कंटेनर में भी निकाल कर रख सकते हो और इसे सेव करके रख सकते हो। और आने वाली वीडियोस में हम और ऐसे ही कुछ वीडियोस लेकर आएंगे। अगर इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।